नमस्ते, मैं अपराजिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज अपने इस वीडियो में मैंने शेयर किया है कि घर पर ही कैसे चावल के आटे को हम तैयार करके रख सकते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप भी आसानी से अपने घर पर बिल्कुल ताज़ा चावल का आटा बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसे करके हम लोग आसानी से घर पर चावल का आटा बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे व्यंजनों में हम लोग चावल के आटे का उपयोग करते हैं, और अगर वो हमें घर पर ही ताज़ा बना हुआ मिल जाए तो फिर उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो चलिए आज फिर अपने घर पर ही फ्रेश चावल का आटा बना करके तैयार करते हैं। चावल का आटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप चावल, इसे 5 से 6 घंटे तक भिगो करके रख लिया है। आप इसके लिए कोई भी चावल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा चावल या बासमती चावल ही होना चाहिए। कोई भी चावल लेकर के उसे आप 5 से 6 घंटे तक के लिए पहले भिगो के रख लें। मैंने ये जो चावल है इन्हें 5 से 6 घंटे तक भिगो करके रख लिया है, और अब हम इन्हें कपड़े पर डाल करके और सुखा लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है और उसको उस पे चावल को मैं इस तरह से पतला करके फैला दूँगी। एक बात का ध्यान रखना है हमें कि चावल को हमें धूप में नहीं सुखाना है, हमें घर के अंदर ही पंखे की हवा में इसे सुखा लेना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, इतना सुखा देना है कि इसका जो ये मॉइस्चर, जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे हाथ में बिल्कुल पानी आ रहा है, वैसा पानी ना हो और चावल सूख भी जाए और उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर भी बना रहे। तो उसी स्टेज तक हमें चावल को सुखाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसे पंखे के नीचे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, जिससे ये चावल का सारा पानी निकल जाएगा और उसके बाद फिर मैं इसका आटा बना लूँगी। तो इस तरह से बिल्कुल पतला करते हुए हमें चावल को अच्छे से सुखा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चावल मेरे सूख करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और इसे हमें ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस इतना सुखाना है कि इसका पानी निकल जाए और थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर चावल के अंदर बना रहे। बिल्कुल ज़्यादा नहीं सुखाना है इसे, यानी कि धूप में नहीं सुखाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चावल में थोड़ा सा भारीपन है और इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी है। तो अब मैं इसे मिक्सी में डाल के पहले पीस लूँगी, उसके बाद मैं इसे छलनी में डाल करके और इसी चादर पे पहले मैं इसे छान लूँगी। इसके अंदर चूँकि अभी मॉइस्चर है तो इसे तुरंत छानने के बाद डब्बे में नहीं रखना है हमें, इसी चादर पर थोड़ी देर के लिए हवा में फैला देना है, और उसका मॉइस्चर जब पूरी तरीके से सूख जाए फिर हम इसे डब्बे में रख सकते हैं। और आपको अगर जल्दी हो तो आप थोड़ा सा कढ़ाई गर्म करके इसे 1 मिनट के लिए गर्म कढ़ाई में डाल करके हिला लें, उसके बाद जब इसका मॉइस्चर पूरी तरीके से सूख जाए तब हमें इसे डब्बे में बंद करके रखना है। पहले अगर हम इसे डब्बे में रखेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, तो अच्छे तरीके से इसके मॉइस्चर को सुखा लेना है फिर हमें इसे डब्बे में रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे बिल्कुल बारीक ये चावल का आटा बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप अपने घर में चावल का आटा आसानी से बना सकते हैं, और अगर जो भी मोटा हिस्सा इसमें रहेगा उसे हम फिर से बारीक पीस लेंगे।